अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था प्रॉफर्म के वाले से कि अगर आपने एक लाइक $500 $600 फीस दे के एक अकाउंट लिया है ना, तो उस अकाउंट में लाइक वो आपको 20,000 का पे आउट नहीं देगा, ठीक है? तो अगर आप 2,000 3,000 बना रहे हैं तो वो तो बहुत फिट है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा बना रहे हैं ना, 20,000 15,000, तो आपका अकाउंट एक्चुअली प्रॉफर्म मॉनिटर करेगी। और वो मॉनिटर इसलिए नहीं कर रहे होते कि उन्होंने इसके पीछे फंड्स लगाने हैं, वो मॉनिटर इसलिए कर रहे होते हैं कि आपको इलिजिबल कैसे करना है, ठीक है? अच्छा उसमें वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे कि आपका आईपी चेंज हुआ था, आप खुद इस पे ट्रेड नहीं कर रहे थे, आप का जो है ना मल्टीपल जगह से लॉग इन है, आपने रूल्स वायलेट किए हैं, आपने जो है न्यूज ट्रेड की है, इस तरह की वायलेशंस लगा के वो आपके प्रॉफिट पेआउट्स रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा और सर समटाइम ये मतलब अभी आप फराज भाई को भी देख लें, वो क्यों मना कर रहे हैं कि फंडेड नेक्स्ट पे ना जाओ, इस पे ना जाओ, उस पे ना जाओ, सिर्फ एफटीएमओ के साथ चलो। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट पेइंग यू। अब आप किसी प्रोफर्म के साथ जा रहे हैं, आपका प्रॉफिट 2 महीने लगा के मेच्योर हुआ है, तो वो क्या कहेंगे कि भाई ये तो आपकी तो कंट्री एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी बातें वो लगा के क्या करते हैं, आपको डिसक्वालिफाई करते हैं कि भाई पैसे ना देने पड़े। सही सो आई डोंट बिलीव इन प्रॉप ट्रू ट्रेडिंग, ट्रू ठीक है? आप जो 100 $200 प्रॉप पे लगा रहे हो, जो 200 $500 आप लगा रहे हो उसके ऊपर प्रॉप पे, वो आप रियल अकाउंट ओपन करें उसका। अब उसका आप सही कंपैरिजन कर सही लें, प्रॉप के ऊपर आपने अकाउंट ले लिया $1,00,000 का, $600 फीस दी, ठीक है? और रियल अकाउंट आपने लिया $600 का, प्रॉप के ऊपर आपके पास डेली ड्रा डाउन है 5,000, आप बड़ी लॉट्स ले रहे हैं, ये सही लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप 1 month ट्रेड करते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट हो गया, मतलब कोई रूल वायलेट हो गया, आप कंपटीशन से बाहर, ठीक है? दोबारा और फीस लेके आएंगे, आपके बैक पे ना नॉइस आ रहा है थोड़ा सा, तो अच्छा, आप दोबारा फीस सबमिट करेंगे, दोबारा जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि आप फिर एक जर्नी में चले गए, और प्रॉप से जो आपको पेमेंट आनी है वो आनी भी 50 दिन बाद है, 40 दिन बाद, ठीक? अच्छा, सही अब ऑन दी अदर हैंड यू गो इनटू रियल अकाउंट, आपने $500 डाले, आप उससे रोजाना $20 बना रहे हैं, $30 बना रहे हैं, आपका $50 होता है, आपका सही $100 होता है, आपने विड्रॉ किया, ठीक है? सही तो इवेंचुअली आप वो $500 $600 इकट्ठे का इकट्ठा लूज नहीं कर रहे, तो आपका एक तो लॉस लॉस मिनिमाइज हो गया। आप प्रॉप के साथ काफी सारे दिन ऐसे थे जिसमें आप प्रॉफिट में थे, किसी एक दिन आपने कोई रूल वायलेट किया और आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुआ है। ऑन दी अदर हैंड आपने रियल अकाउंट पे जो भी प्रॉफिट बनाए हैं आप साथ साथ विड्रॉ कर रहे हैं, और वो आपको इवेंचुअली फायदा दे रहे हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो गई रही है, और इंस्टेंटली, कोई आपको 1 महीना या 50 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। सही है, उस पॉइंट वो एट द मोमेंट ही हो जाता यस, वो उसी वक्त हो जाता कि आपने आज प्रॉफिट बनाया, शाम को $50 आपने विड्रॉ लगाए, और वो $50 अगले दिन विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में आ गए, तो आपका लॉस सही और जो सही इन्वेस्टमेंट है रिकवर होना शुरू हो गई। तो सही दैट इज द सही मेन बिल्कुल सही डिफरेंस कह रहे हैं आप। बिटवीन ट्रेडिंग अ प्रॉप एंड ट्रेडिंग अ रियल अकाउंट। दूसरी चीज, जब आप प्रॉप पे जा रहे हैं आपका अकाउंट $1,00,000 का है, आपकी लॉट साइज बहुत बड़ी है, जब आप रियल अकाउंट पे हैं आपकी साइकोलॉजी चेंज हो गई कि यार ये मेरे पास सिर्फ $500 $600 जो मैंने इसकी फीस पे करनी थी, ये जो लगाया है यही है, ये गया तो मेरा एक्चुअल पैसा गया। बिल्कुल प्रॉप में आपका वो सेंस खत्म हो जाती है कि आपका एक्चुअल पैसा जा रहा है, ट्रू सही कह रहे हैं आप। ठीक है? तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई प्रॉप नहीं रियल अकाउंट। और प्रॉप हमेशा मैं उसको रिकमेंड करता हूँ जो 2 4 6 साल से ट्रेड कर रहा है, क्योंकि प्रॉप इज मोर टफर देन रियल अकाउंट। और जब अच्छा आपके सही ऊपर ट्रेडिंग के सही ऊपर जब आपके ऊपर ये काफी सारी कंडीशंस इंप्लीमेंट हो जाती हैं, तो एक्चुअली इट मे इट इट मेक्स ट्रेडिंग टफ। सपोज आपका सही हंड्रेड हंड्रेड डॉलर का अकाउंट है, आपको एक प्राइस एस्टिमेशन आपने लगाई और उसके ऊपर आपका ट्राई जो एसएल है आप उसे मूव करके 10% रख देते हैं $10 पे, ठीक है? ठीक है आपको सही कोई मसला नहीं है, बट यू कैन डू इट इन प्रॉप, आपको रूल वायलेट हो जाएगा। अब प्रॉप में समटाइम ऐसे होता है कि आपकी ट्रेड गई, आपका एसएल काटा और वापस आ गई, क्यों? आपने उसे क्वेश्चन ही नहीं दिया था बिल्कुल एसएल के ऐसा लिए। आपके रियल अकाउंट में अगर वो $10 नेगेटिव भी चला गया एंड यू आर कॉन्फिडेंट विद योर प्लान,
कि भाई मैंने लॉट बड़ी ली हुई है और ये इतना जाएगा और वापस आ जाएगा, तो यू आर ओके विद दैट, कोई काउंट वॉश नहीं हाँ हो रहा. बिल्कुल सही सही कह रहे हो। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट के मेन डिफरेंस क्या. तो पहले रियल अकाउंट ट्रेड करें, जब आप उससे पैसे बना लेंगे, जब आपके पास पैसा हो जाएगा, देन यू कैन गो इनटू प्रॉप. सही सही ठीक है, तो ये चीज आपने ये जितनी बातें की आई एग्री विद ऑल ऑफ देम, और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पहले वो एफडीएमओ का चैलेंज ले लिया और बाद में मैंने भी इस चीज पर थोड़ी सी वर्किंग की, और फिर शायद आपको याद हो कि मैंने आप ही के वो रेफरल से एक्सट्रेस वाला अकाउंट जो है मैंने वो लेने की वो एफर्ट की थी, जो कि एक्चुअली रेफरल आपका जी वो जी नहीं था। जी तो जी यही वजह है कि मैं मतलब जो खुद भी इस चीज को प्रेफर करूंगा कि इट शुड नॉट बी प्रॉप, इट शुड बी माय ओन अकाउंट। और फिर उस साइकोलॉजी के साथ मतलब आप फिर मतलब आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे कि व्हाट शुड बी द वे मैं मतलब किस पेयर को या किस टाइम जोन को, या लाइक आप उस चीज पे मुझे क्या गाइड करेंगे? यार, इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि आप क्या उसको प्लान कर रहे हैं. आई डोंट नो यू आर गोइंग इन टू मार्केट विद $100 अकाउंट, $1,000 अकाउंट, और $10,000 अकाउंट. आई डोंट नो इट. ठीक,